आपका पहला सवाल है, सौरमंडल का मुखिया निम्न में से किसे माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए सूर्य, बी पृथ्वी, सी आकाश, डी चंद्रमा। आपका सही जवाब होगा ए सूर्य। आपका दूसरा सवाल है, दुनिया का पहला मोबाइल किस कंपनी ने बनाया था? आपका ऑप्शन है ए नोकिया, बी वीवो, सी सैमसंग, डी मोटोरोला। आपका सही जवाब होगा डी मोटोरोला। आपका तीसरा सवाल है, रानी लक्ष्मीबाई जी के बचपन का क्या नाम था? आपका ऑप्शन है ए मनु, बी सीता, सी इंदिरा, डी उर्मिला। आपका सही जवाब होगा ए मनु। आपका चौथा सवाल है, किस जानवर का दिल उसके स्वर में होता है? आपका ऑप्शन है ए ऊंट, बी घोड़ा, सी मछली, डी समुद्री केकड़ा। आपका सही जवाब होगा डी समुद्री केकड़ा। आपका पांचवा सवाल है, पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में लगता है? आपका ऑप्शन है ए गुजरात, बी राजस्थान, सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब होगा बी राजस्थान। रोजाना ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें। आपका छठा सवाल है, लाइफ बॉय किस देश की कंपनी है? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी जर्मनी, सी चीन, डी इंग्लैंड। आपका सही जवाब होगा डी इंग्लैंड। आपका सातवां सवाल है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? आपका ऑप्शन है ए राजेंद्र प्रसाद, बी सरोजनी नायडू, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी बंकिम चंद्र चटर्जी। आपका सही जवाब होगा सी रविंद्रनाथ टैगोर। आपका आठवां सवाल है, संसार का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए बाज, बी मोर, सी हंस, डी शुतुरमुर्ग। आपका सही जवाब होगा ए बाज। आपका नवा सवाल है, सेब का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? आपका ऑप्शन है ए सिक्किम, बी जम्मू कश्मीर, सी झारखंड, डी हिमाचल प्रदेश। आपका सही जवाब होगा बी जम्मू कश्मीर। आपका दसवां सवाल है, आम का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? आपका ऑप्शन है ए केरल, बी असम, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। आपका सही जवाब होगा सी उत्तर प्रदेश। सचिन जी के वीडियो रोजाना ऐसे ही देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें। आपका ग्यारहवां सवाल है, शांति परसुस के नाम से किस महापुरुष को जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी भगत सिंह, सी लाला लाजपत राय, डी लाल बहादुर शास्त्री।
आपका सही जवाब होगा डी, लाल बहादुर शास्त्री। आपका बारहवां सवाल है, भारत के किस राज्य में शराब का सेवन पूरी बंद कर दिया गया है? आपका ऑप्शन है ए बिहार, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब होगा ए बिहार। आपका तेरहवां सवाल है, हरा सोना किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए मिर्च को, बी चाय को, सी गेहूं को, डी फसल को। आपका सही जवाब होगा बी चाय को। आपका चौदहवां सवाल है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 22 मार्च, बी 28 मार्च, सी 22 अप्रैल, डी 30 जनवरी। आपका सही जवाब होगा ए 22 मार्च। आपका पंद्रहवां सवाल है, हीरे का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी अफ्रीका, सी रूस, डी अमेरिका। आपका सही जवाब होगा सी रूस। सचिन जी के वीडियो रोजाना ऐसे ही देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें। आपका सोलहवां सवाल है, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? आपका ऑप्शन है ए कुशीनगर, बी श्रावस्ती, सी गया, डी बोधगया। आपका सही जवाब होगा डी बोधगया। आपका सत्रहवां सवाल है, कौन सा जानवर जीव से सांस लेता है? आपका ऑप्शन है ए सांप, बी हाथी, सी हिरण, डी जिराफ। आपका सही जवाब होगा ए सांप। आपका अठारहवां सवाल है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आपका ऑप्शन है ए बदनाम करना, बी वचन देना, सी नष्ट कर देना, डी मौके का धोखा देना। आपका सही जवाब होगा डी मौके पर धोखा देना। आपका उन्नीसवां सवाल है, मोबाइल चलाने से कौन सी बीमारी होती है? आपका ऑप्शन है ए कैंसर, बी टीबी, सी ब्रेन ट्यूमर, डी दिल की। आपका सही जवाब होगा सी ब्रेन ट्यूमर। आपका बीसवां सवाल है, ऐसी कौन सी चीज है जिसे लड़के रोज और लड़कियां साल में एक बार पहनती है? उत्तर जनेऊ। आपका इक्कीसवां सवाल है, घड़ी सौरभ किस देश की कंपनी है? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी जापान, सी चीन, डी अमेरिका। इसका आंसर दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।